ओके बच्चा, द नेक्स्ट वीडियो द नेक्स्ट टॉपिक आज का जो है वो है कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब इन बिटवीन, है ना। अब इसमें ना दो तीन चीज़ें हमें डेरिवेशन करने से पहले समझनी है, तो पहले उनको समझेंगे और उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। ये डायग्राम पहले, सबसे पहले तो इसको समझेंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ बना लगी हूँ दोबारा से डाइग्राम को। तो एक तो सबसे पहले आपने ये ले लिया कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, है ना। अब आपको कहा कि ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच की जो दूरी है वो मान लो है डी, दोनों प्लेट्स के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, डी, ठीक है। अब आपने इन प्लेट्स के बीच में ये जो खाली जगह दिख रही है, यहाँ हमने एक मान लो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया, ठीक है। स्लैब का मतलब कुछ नहीं होता है, स्लैब सुन के परेशान नहीं होता है, स्लैब का मतलब होता है, सीधी सी बात है, तख्त जैसा, है ना। एक तख्ती रख दी है डाई इलेक्ट्रिक की, ठीक है। ये जो स्लैब है इसकी थिकनेस है टी। तो सबसे पहले जो समझने वाली बात है कि ये पूरी जगह डी है, ठीक है। मान लो डी है तुम्हारा, मान लो 7 सेंटीमीटर, एक एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। और बीच में जो तुमने तख्त रखा है, तख्ती जो रखी है वो कितनी है, मान लो वो है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो खाली जो जगह बची वो कितनी बची, बिल्कुल तुमने सही बोला, कितनी बची, 4 सेंटीमीटर। ये कैसे निकाला तुमने, तुमने किया 7 माइनस 3, यानी एक्चुअली में तुमने किया डी माइनस टी किया। और इस d माइनस टी, ये जो खाली जगह है ना, इस जगह पर क्या भरा हुआ है, इस जगह पर कुछ भी नहीं है, इस जगह पर एयर है जो पहले भी थी और अभी भी है, क्योंकि तुमने इस जगह को कुछ छेड़ा नहीं है। तो प्लेट्स के बीच में एयर, फिर स्लैब और फिर उसके बाद एयर। सो ये डाइलेक्ट्रिक यहाँ पर है ना, और उसके दोनों तरफ एयर है और फिर दोनों प्लेट्स हैं, ये इसका अरेंजमेंट है। डाई इलेक्ट्रिक कितनी दूरी तक है, टी दूरी तक है, और एयर की दूरी कितनी है, ये आपने याद रखनी है। एयर कितनी दूरी तक है, डी माइनस टी दूरी तक एयर है, ठीक है। हमने ये दोनों हिस्से ना एक साथ ले लिए हैं, अलग अलग नहीं लिए ना, ये दोनों एक साथ ले लिए, यहाँ और यहाँ मिला करके एयर कितना हो गया, डी माइनस टी। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है कि डाई इलेक्ट्रिक, मैं यहाँ पर छोटे में लिखती हूँ याद रखने के लिए, कि जो डाई इलेक्ट्रिक है वो टी डिस्टेंस तक है और जो एयर है वो डी माइनस टी डिस्टेंस तक है। ये दो पहली, तो पहली बात ये समझ आ गई, आई होप आ गई है, ठीक है। अब अगली बात समझते हैं, ठीक है, ये इसको मिटा देते हैं और अगली बात समझते हैं। ये डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है, सबसे पहले होता क्या है ये डाई इलेक्ट्रिक। अगर आपने पिछले लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं और उनको रिवाइज किया है तो आपको समझ में आएगा कि डाई इलेक्ट्रिक जो है वो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर मटेरियल होता है, कंडक्टर नहीं होता है ना। कुछ स्पेशल इंसुलेटर्स को, जैसे पेपर एक डाइलेक्ट्रिक है, माइका एक और डाइलेक्ट्रिक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल्स हैं। तो आपको पता है पेपर और माइका ये सब इंसुलेटर्स हैं, है ना, ये कंडक्शन नहीं करते हैं। तो आप हैरान तो नहीं हो रहे, सबसे पहली बात कैपेसिटर प्लेट्स लिए, उसके बीच में डाई इलेक्ट्रिक रखा, ये डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है, फिर इसको क्यों रखा, अब इसका काम क्या है वो देखिए, बड़ा ही आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप धीरे से समझते हुए चलेंगे, इट इज़ ईजी, ठीक है। मैंने क्या किया कि एक प्लेट को, कैपेसिटर की एक प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया, दूसरी को नेगेटिव पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव चार्जेस आ गए और इस प्लेट पे नेगेटिव चार्जेस आ गए, यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये बीच में जो डाई इलेक्ट्रिक है इसका क्या होगा, देखते हैं।
मान लो हर एक डाइइलेक्ट्रिक में एक लाइन में दो एटम्स बैठे हैं। एटम्स तो होंगे ना, कोई भी चीज़ बिना एटम्स के तो नहीं होगी। तो मान लो ये दो एटम्स एक डाइइलेक्ट्रिक की एक लाइन में बैठे हैं, तो अगली लाइन में भी दो एटम होंगे, उससे भी अगली में दो एटम, इस तरह से होंगे। ठीक है, एटम क्या चीज़ का बना होता है? एटम याद करो क्या चीज़ का बना होता है। एटम में एक न्यूक्लियस होता है जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और उसके आसपास गोल घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, है ना? तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का इकट्ठा कॉम्बिनेशन है? बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब हर एक एटम में, है ना, अब इस एटम को मैं अगर थोड़ा बड़ा करूं, माइक्रोस्कोप के अंदर से देखूं, तो हर एक एटम में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, होगा एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। सही है, समझ में आ रहा है? मेरे ख्याल से मैं इस डाइलेक्ट्रिक को थोड़ा सा और बड़ा बनाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये दो एटम्स हैं, और इन दो एटम्स को अब मैंने माइक्रोस्कोप से और बड़ा करके देखा, तो ये दो हिस्सों में बने होते हैं। एक हिस्सा इसका नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव। सही है ना? आप ध्यान देंगे मैंने इस तरफ को नेगेटिव बनाया है, मैं इस तरफ को पॉजिटिव भी बना सकती थी ना, लेकिन आपको भी पता है कि वो गलत होता। क्यों गलत होता सोचिए जरा। डायग्राम तुम्हारे सामने है, ये तुम्हारा हिंट है कि इधर को मैंने नेगेटिव क्यों बनाया। बिल्कुल सही, ये जो पॉजिटिव है ये इस एटम में से नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव को दूसरी तरफ फेंकेगा। सही है ना? तो नेगेटिव अंदर इधर की तरफ, पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा और पॉजिटिव इसका दूसरी तरफ चला जाएगा। अब ये पॉजिटिव इस अगले एटम के, ये देखो ये दो एटम्स हैं, है ना, हमने इस एटम को माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा, इस एटम को भी माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा है ना। तो जब ये एटम का पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से अलग होगा, तो इस ये पॉजिटिव दूसरे एटम के नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और पॉजिटिव दूसरी तरफ फेंकेगा, और सिस्टम बिल्कुल ठीक बैठ गया कि ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। सही है? तो अगर थर्ड एटम होता, मान लो, चलो मान लो यहाँ एक और एटम होता, ठीक है, तो अगर आपको मैं कहूँ कि आप अपनी नोटबुक में एक थर्ड एटम का माइक्रोस्कोप से फैला के बनाइए, तो यहाँ आप क्या बनाते? चलिए सोचिए अपने दिमाग में। अगर आपने ये बनाया है तो शाबाश है आपको, और नेगेटिव होता और इधर होता पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के एक तरफ नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। ये डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है ना? डायग्राम, वेरी सॉरी बच्चे, डायग्राम अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, बट ये लो, ठीक है। सो एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के, और दूसरी तरफ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब के ये नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, है ना? अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं।